अपनी कुर्बानियां दी हैं या जो जवान देश की सेवा के लिए जवान की बात कही, देश में जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले इस देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने पहले किसानों की शहादत ली और राजनीतिक लाभ के लिए माफी मांगते हुए कानून वापस लेने का काम किया। लेकिन ये जो फैसला है ये राजनीतिक फैसला है, क्योंकि इसकी घोषणा राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा की गई है और ये कहा गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे और फौज में अग्नि ये योजना लेके आएंगे। अगर ये कोई फौज के द्वारा अगर कोई प्रपोजल होता, फौज की बात होती तो पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलते थे। पहली बार विश्वास में लेकर देश की सरकारें चली हैं, चाहे वो किसी की सरकारें रही हों। आज देश की फौज और सुरक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। सबको विश्वास में लेके आपको चलना चाहिए था और कोई नए उदाहरण नहीं है। आप याद करो 1971 का युद्ध। डॉक्टर साहब की तरह निकल गए गए ठीक। देखो ऐसा है कि आज का हमारा जो धरना था वो देशव्यापी मुहिम कांग्रेस पार्टी की तरफ से है और अग्निपथ योजना की हमारी मांगें वापस हो। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। इस योजना को बिना किसी विचार विमर्श करे सरकार ने किसी दूसरे देश से कॉपी करके इसराइल बता रहे हैं और एकदम से हिंदुस्तान जैसी फौज जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ फौज मानी गई है उसकी नींव हिलाने का काम इस सरकार ने किया है। हम ऐसा कोई भी कदम जो देश की फौज को कमज़ोर करता हो ऐसे कोई भी कदम को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक तरीके से इस सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे सड़क से संसद तक और लड़ी रहे लगातार आप देख रहे हैं। सर जैसे कि तीनों जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा वायुसेना, थल सेना और नेवी के, तो आर्मी चाहती है सर कि फौज यंग होनी चाहिए क्योंकि 2.5 लाख। देखिए ऐसा है कि वो अपने प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं और उनका भाषा बोल रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, उनका जो है तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ हैं उनकी एक गरिमा है, उनकी सीमाएं हैं और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है और उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो फैसला है ये राजनीतिक फैसला है क्योंकि इसकी घोषणा राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा की गई है और ये कहा गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे और फौज में अग्नि ये योजना लेके आएंगे। अगर ये कोई फौज के द्वारा अगर कोई प्रपोजल होता और फौज की बात होती तो पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलते वो, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक यंग और उसकी बात है, अगर आप दुनिया की फौजों की तुलना करें, मात्र एक दो देश जैसे इसराइल का मैंने उदाहरण दिया जहाँ पे कोई फौजी जाना ही नहीं, फौज में जाना ही नहीं चाहता, वहाँ पे 0% बेरोजगारी है, वहाँ पर अलग परिस्थितियाँ हैं। हमारे यहाँ देशभक्ति का जज्बा है, यहाँ पे कोई किसी राजनीतिक का पार्टी कार्यालयों के आगे चौकीदार नहीं लगना चाहते 4 साल के बाद, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे फौजी बनना चाहते हैं, मैं आपके इलाके की बता रहा हूँ, आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं, आप अपने इलाके में अपने घर वालों से जाके पूछो, वो चौकीदार लगना चाहेंगे किसी राजनीतिक पार्टी कार्यालय में या फौजी बनना चाहेंगे, अब भावनाएँ अलग हैं। इसराइल का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, इसराइल में कोई नहीं जाना चाहता, इसीलिए वहाँ 4 साल के साथ अनिवार्य भी है, सभी को जाना पड़ता है, यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं। हिंदुस्तान में अनिवार्यता करो, अगर 4 साल कर रहे हो तो हिंदुस्तान में भी अनिवार्यता करो, अनिवार्य यहाँ है नहीं। कितने भाजपा के सांसद और मंत्रियों विधायकों के बच्चे जाएंगे अग्निवीर में 4 साल, आप बताओ हमें कितने जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बाद में जानकारी हो, जानकारी दें देश को। इसराइल में अनिवार्यता है, 4 साल का है, वहाँ देश ही अलग है वो, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की समझ के साथ नीतियाँ बननी चाहिए। जैसे कि 3 किसी कानून में भी हमने कहा था ये अमेरिका की नीति नहीं चलेगी, सरकार कह रही थी अमेरिका में कॉर्पोरेट सेक्टर है, औद्योगिक घराने हैं खेती में, मगर अमेरिका में 1% से कम आबादी उस पर खेती में, हिंदुस्तान में 50% है, वहाँ पर तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर ले आओ, हिंदुस्तान के अंदर तो आपको जो 50% आबादी खेती पर आधारित है उनके हिसाब किताब से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की समझ की नीतियाँ चलेंगी। देश की फौज एक दिन में नहीं बनी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज एक दिन में नहीं बनी, धीरे धीरे टाइम एंड टेस्टेड कई इस प्रकार की प्रणालियां हैं फौज के अंदर, उन प्रणालियों से की नींव के आधार पर आज देश में देश की फौज दुनिया में सबसे, और इसीलिए इसकी नींव को
हम यूं हिलाने नहीं। दीपेंद्र जी, पूरे देश में बवाल मचा इस मामले को लेकर के, और आप भी सत्याग्रह किया, कांग्रेस भी सत्याग्रह, और भी पार्टी के खिलाफ जो ना विरोध कर रही है, इसके बावजूद भी वायुसेना में 60,000 के करीब बच्चों ने जो ना रजिस्ट्रेशन कराया। मैंने कहा कि बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएं, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। आज देश की बेरोजगारी की जो स्थिति है, जो नीति आयोग ने जो कहा, मैं मानता हूँ नीति आयोग का, मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने सच दिखाया कि 75 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है इस सरकार में। आज एक पीएन की नौकरी का, आप अगर कोर्ट के अंदर पीएन की नौकरी निकली थी पीछे झज्जर में, आपने देखा होगा पीएचडी बच्चे भी अप्लाई कर रहे थे। हमें कोई ऐतराज नहीं है, बच्चे अप्लाई करें, लेकिन वो किस मन से किया है। मैं खुले रूप से निमंत्रण भी देना चाहता हूँ, और ये इसको आप किसी भी दूसरे अर्थ में ना लें, निमंत्रण के रूप में लें। प्रधानमंत्री जी सुबह चलें, या रक्षा मंत्री जी हेलीकॉप्टर लें, और हमें भी बताएं ना, 6 बजे 5 बजे 6 बजे किसी भी हरियाणा गांव में हेलीकॉप्टर उतार लें। बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन बच्चों से आप वो पूछ लें जिन्होंने अग्निवीर के लिए अप्लाई किया है, केवल उन्हीं बच्चों से पूछ लें। अगर वो बच्चे कहें कि ये इस योजना से हम खुश हैं, तो हम उनकी बात मान लेंगे। किसी भी गांव में जाएं, अगर उनको लगता हो कि ये गांव बीजेपी का गढ़ है, पूरे हरियाणा प्रदेश में या आसपास पूरे उत्तर भारत में जहां से ज़्यादा भर्ती होती है, किसी गांव में जाएं, एक गांव में हेलीकॉप्टर उतारे, मैं निमंत्रण देना चाहता हूं। और अगर वहां पे बच्चे कहें कि हमें इसको यही योजना चाहिए, और आप लोगों के कहें, आप लोग के अपने घर में आप पूछिए, अथवा कपिल परेशान हो रहे, इसको मैंने इसलिए बोला, आप अपने घर में पूछिए, अगर ये बात कहें तो हम भी ये बात को स्वीकार करेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा जो रिटायर होके आएंगे 4 साल में हम यहाँ पे प्राथमिकता देंगे, और हुड्डा साहब ने उसका जवाब दिया है। हुड्डा साहब ने जवाब दिया है कि आप पहले लगा दो इनको, पहले ज्वाइनिंग डेपुटेशन पे फौज में भेज दो। आपने जो 15 साल की सर्विस करके जो एक्स सर्विसमैन वापस आए, कितनों को नौकरी दी, जबकि पहले से हरियाणा पुलिस में, PSUs में, जैसे NTPC की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, और गृह मंत्रालय के अंदर जो फोर्सेज हैं, CISF BSF, उनमें RPF, उसमें प्रावधान पहले ही है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन कितनों को मिली, उनको तो मिल नहीं पा रही। अब आप उनसे 3 गुना संख्या में ये अग्निवीर आ जाएंगे केवल 4 साल में, आप किस आधार पर कह रहे हैं। और मजाक सबसे बड़ा ये इसलिए लग रहा है कि जो प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रेट हो, जिसमें आप अग्निवीर छोड़िए, जिसमें आम नौजवान को नौकरी नहीं मिल पा रही, इस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश, ऐसे प्रदेश के मुखिया जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, हरियाणा की बेरोजगारी की स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक और जुमला छोड़ रहे हैं, हम इनको भी दे देंगे, ये मैं समझता हूँ कितनों को दिया आपने, क्या स्थिति है आपकी, आप समझें। और मैंने एक और चीज़ बताई जो एक और बात महत्वपूर्ण थी कि ये ऑल इंडिया का इसमें कंडीशन लगा दी गई है, आपने देखा होगा। ऑल इंडिया का क्या अर्थ है, परंपरागत जिन इलाकों से भर्ती ज़्यादा होती है, जैसे हरियाणा में से भर्ती होती है, हरियाणा में कई हमारी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झज्जर है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, भिवानी है, ये बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रोहतक है, गुड़गांव है, ये इन डिस्ट्रिक्ट से बहुत भर्ती होती है, पूरे हरियाणा से भी होती है, हर 10वां सैनिक हरियाणा। यहाँ स्वाभाविक रूप से ऑल इंडिया कि अगर आप समकक्ष करके भर्ती करने की प्रक्रिया चलेगी तो भर्ती कम हो जाएगी। और उसका जो मैं सरकार से जवाब मांगना चाहता हूं कि अभी जो आई है, जो इस विशेषज्ञों ने आकलन करके बताया, जो भर्ती शुरू हो रही है, हर साल हरियाणा से 5,000 की भर्ती होती है, पक्की भर्ती। अब वो 5,000 की पक्की भर्ती घट के 963 अग्निवीर लिए जाएंगे इस साल, क्योंकि ओवरऑल भी भर्ती घटा दी इन्होंने, 60-80 हज़ार भर्ती जहाँ होती थी 45,000 से 50,000 अग्निवीर लेंगे, और हरियाणा का रेशो और कम हो गया 963, 5,000 पक्की भर्ती इसकी जगह 963 अग्निवीर, जिसमें से 4 साल के बाद 240। तो 5,000 पक्की नौकरी फौज में, फौजी बनके देश के लिए कुर्बानी देने की नौकरी की आवश्यकता है प्रदेश को, या 244, और बाकी लोग कोई कह रहा है बीजेपी के दफ्तर में लगाएंगे, कोई कहाँ कह रहा है। तो ये एक बड़ा धोखा हो गया इस इलाके के साथ, हरियाणा के साथ, और ख़ास तौर पे इसीलिए हमें दुख है इस बात का जो मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने वन रैंक वन पेंशन का नारा रेवाड़ी में ही दिया था, हरियाणा में दिया था, और उसी हरियाणा के साथ ऐसा क्या सलूक किया कि हमारी 5,000 की भर्ती घटाकर
और 963 वो भी अग्निवीर और 240 पक्की। तो ये सर सेंटर ये कहना है कि चार गुना नफरी बढ़ा रही है अग्निवीर। नहीं, ये आपकी जानकारी नहीं है, आप थोड़ा जानकारी लें। जानकारी ये गलत है आपकी जानकारी। 45 से 50 हज़ार अग्निवीर, सेंटर ने ये नहीं कहा कि कुछ नफरी बढ़ा रहे हैं, बल्कि अगर ये नफरी यूँ इसी रूप में अगर ये चलता रहा तो आकलन ये है जो आज फौज हमारी 16 लाख पे है, वो फौज घटकर अगले 10 वर्षों के अंदर वो फौज घटकर 6 और 7 लाख पे आ जाएगी। चाइना पाकिस्तान का मोरल अप होगा इस तरह की चीज़ों। देश के आप दुश्मनों से जो देश घिरा हो, ऐसा पड़ोस है और देश दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज जहाँ हो, आपने उस फौज की नींव क्यों हिलाई, देश ये जानना चाहता है।